हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस लाइफ विद नीलम। और कैसे हो आप सब? कैसे हैं? स्वस्थ होंगे? मैं नहीं होंगे, हम भी ठीक है। इस टाइम से बैठ के बच चुके हैं 10, जब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और अभी बना रही मैं अर्पित के लिए बनाना शेक, क्योंकि सारे जने फल फ्रूट खाने हैं, अर्पित कुछ खाता नहीं, सिर्फ बनाना छोड़ के, और वो भी शेक बना के दो पीवेगा, वैसे पीता भी नहीं, केले रखे रहे हैं, खाता ही नहीं अपना। तो अब उसके लिए बना देती हूँ बनाना शेक, या तो डाल दिए इसमें ड्राई फ्रूट, उसके हिस्से के 4 केले लेकर उनका शेक बना रही हूँ। हो गया अपना शेक, बनाना शेक रेडी। विनोद बदलवा के लिया वाले ना जाके, यो उठ गया है, कलेसी कलेसी बनावे है अपने डैडी, और इस गेल लिया है मेरी बोलचाल बंद। सही है, ठीक है, अपना बोलचाल बंद है, फालतू की कह के पैपन बंद हो रहे थे। करे जानो क्या विचार, मुंह छिपा है, मुंह की छिपा है, मेरी गली बोल चाल बंद है, इनके लिए थोड़ी नहीं बोल चाल बंद है। हमारा ये तो हुआ चल रहा है, ये सर अभी जा रही है, तो हारेंगे नहीं, तो इनको तो राम राम कर दो। मैं मेरे के तो भाइयों को, वेल विशर्स को, दोस्तों को हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी संडे, हैप्पी विंटर वेकेशन। सही है, मतलब सभी भाइयों को बोले आ गई है, नहीं बोले सभी बहनों को, जो मेरी बहन है उन बहनों को भी। ठीक है, कर लिया बोर का, साफ सफाई चल रही है अभी, और का महाराज चौथा दिन है, आज सन्नी डे है और संडे भी है, अच्छी धूप खिली हुई है, क्योंकि कल शाम को जल्दी फॉग आ गई थी और वो जल्दी छट गई थी रात रात में, परसों सुबह लेट फॉग थी वो, इसलिए वो कल सुबह तक लेट तक रही। आज बहुत अच्छा मौसम है, बाहर खुशगवार है एकदम। आप भी अपने बिस्तर कपड़ों को धूप लगाएं, इस मौसम में बैक्टीरिया से मुक्ति मिल जाती है उन्हें, और वो एकदम फूल जाते हैं, जैसे इसका मुँह फूल जाता है लड़ाई करके। मैं लड़ाई नहीं करती, मैं लड़ाई करके तो इसका मुंह बना रहा है, मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे बिस्तरे फूल जाते हैं धूप लगाने के बाद। यही तो बात है ना, यही बात है। आप ये देख सकते हैं कोई आया है, ये आ गया है, ये कुछ 3-2-5 कर क्या ले गया है। ओके, नमस्ते, विनोद भी आ गया है, विनोद और नक्शु आए हैं, कुर्ता पजामा पहन के विनोद आ चुका है। तो ये सामान देने आए थे, रिश्ते भागे, यहाँ शादी है इसके साले की, कल भी यहीं आ रहा था, और घर पर सामान भेजा भाभी ने, फिर ये वहाँ से भेज दिए, गुलाब जामुन है, और ये अर्पित की फेवरेट गोम, फिर काए जा कई दिन तक याद कर रहा था वो, गुलाब जामुन, गजरेला, दूध, लस्सी, पता नहीं दोनों दूध हैं, खोल के देखने पड़ेंगे। अभी नीचे के सारे काम हो गए हैं, ऊपर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये देखो सारे कपड़े वगैरह, ऐसा कोई दिन जाओ है हमारा जिस दिन कपड़े वगैरह नहीं धुलते हो। आरू आज फिर आ रहा है, आरू हेलो, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, क्या खा रहा है? आरू का दादा पीवे होका, ये देख लो बोल चल मारी बीवी बंदे है, रोला चल रहा है, हमारी कोल्ड वार चल रही है। दूसरा दादा करे है आरू का हाथ साफ, कोल्ड वार चल रही है, कपड़े का देख लो, कपड़े का तुम्हारा भंडार है, और सारे का धूप लगा रखी, डेली धूप लगावे सारे रजाई कंबला ऊपर भी, देखो नीचे नीचे मकाम नहीं चल रहा ना, आज संडे आज नहीं आओगा कूड़े वाला। अरे साउस के इतना दूर गया, जूते ना दूर हो सबके जूते,
सबके क्या अर्पित के हैं ये चारों जोड़ी। ये देख लो ये भी दो हैं, ब्रश कंघे नीचे सारा हो गया मेरा, बस खाना बनाऊं। ऊपर का भी हो गया है, नीचे का भी हो गया, सारा झाड़ू पोछा, ऊपर के कपड़े कुपड़े सारे धुल के हैं, सारे रजाई बिस्तरे धूप में देखे भी होंगे और ना भी लिए अभी कपड़े लिए, कपड़े में पजामे टी शर्ट ही पहनने हैं मैंने तो, मक्खन भी निकल गया है। और अभी रोटी बनानी है, रोटी बना के फिर बर्तन साफ करने हैं, फिर कपड़े चेंज करूँगे, फिर टाइम से नहा लेते फिर बाल नहीं सूखते, सिर धो लिया और फिर खाना खुना बनाते टाइम, बर्तन साफ करते टाइम सूट गंदे हो गया है, फिर चेंज करूँगी मैं, बस फटाफट रोटी बना लूँ, भूख लग रही है तो सारा। सारे काम हो गए हैं, सबका खाना पीना हो गया है और ये देखो मेरा मक्खन जो तो पतीले में रखा था अब निकाल कर रख दिया है। ये है 12 दिन की मलाई का मक्खन, अब इसका घी बनाऊंगी। अब और काम हो गए मेरे सारे, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन नहाना धोना सब चीज़। अब फिर बस थोड़ा तो कुछ खा लिया, थोड़ा सा और निकाल कर रख दिया एक टाइम का और खा लेंगे। अब इसका घी बना दो दादो का। ईब क्या भाग गए हैं लोग, गाइस शाम के बज गए हैं 4:30। और देखो अम्मा बेटा ये सीढ़ी पर चढ़ गया, उतर नहीं रहा था, धीरे धीरे उतरा था, मैंने वीडियो बनानी चालू करी तो कितना जल्दी फास्ट भाग के गया है। अब मैंने अपना लुक चेंज कराया है, इब्बे थोड़ी देर में फिर कपड़े चेंज करने का टाइम हो जाएगा क्योंकि खाना बनाने की तैयारी करनी है। और पिछड़ा कर रखा है, आटा पिसवा के लाना है, भेजो अर्पित ने, जाओगा आटा पिसवा के ले आओगा, उन्होंने कहा बाद में आटा पिसवा के ले आऊंगा, ना जाना तो पड़ेगा, पिसवा ले बेटा, फिर और कुछ अच्छी सी डिश बना के देऊंगी तना, मैं देख दिखाऊं, लालच देना पड़ेगा लालच। पक्का पक्का ठीक है भी, ब्रेड ले आ जा बनाऊ, और आटा भी रखा ब्रेड ले आ। हाँ बेटा यो पिसना दे रहा लेके आना है ना, रख के आना है दो। ठीक है खुले पैसे लिया दादा पे ऊपर थे, और एक वो ले आ जा, अभी ये वाला काम स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं, कुछ नहीं कह सकते, बन जवान बन रोज की रोज मैं तो पागल हो ही रही हूँ ये सब कर 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 के, शायद आप लोगों को भी पागल बना दिया मैंने कि रोज ये काम ये काम ये काम करने तो पड़े हैं, के करूं और खाना पीने की कोई भी तैयारी नहीं है मेरी, कोई भी अनू भी नहीं सोची है कि सब्जी बनानी है, पूरा दिन नुए चलिया जाओ ऐसे निकल जाए कि ये करो वो करो फलान करो डिमका करो। एक बार फटाफट कर लूँ मैं बस इनका निपटा लूँ, नहीं तो फिर खाने में देर हो जाएगी अगर खाना बनाने लगी पहले, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, पहले खाना बनाने लगी तो फिर ये रह गए, कल ना और ज़्यादा हो जाएंगे, तो पहले यही निपटा लूँ फटाफट से, फिर देखूँगे खाना पीने की तैयारी के कुछ बनाना के नहीं बनाना। बस तो मेरी ब्रेस जल्दी निपट गई है, कम कपड़े थे आधा घंटा लग गया, 6:20 हुए हैं अभी, ब्रेस हो गया, मैं बना लूँ फटाफट से खाना, थोड़ी सी भूख लग रही थी खाना बनाने से पहले, चाय पीने का मन नहीं था तो मैं भी अपने लिए जूस निकाल लूँ, सबके लिए निकालती मैं, पीती नहीं कभी भी, अब ना फिर बैठ कर फ्रूट खाए जाते हैं, सोचिए वो काम करके खाइए फ्रूट, ये वाला काम करके खाइए फ्रूट, वो इतना फ्रूटे ख़त्म होने हैं मेरे काम का टाइम ही नहीं देता और बैठ कर खाने का, कम खाने वाले बंदे का जो भी दुख है
मैं बना लू थोड़ा सा जूस मेरे लिए। लो हो गया अपना जूस तैयार, पी लो सारे। आज तो मैंने स्पेशली अपने लिए बनाया है क्योंकि कभी कभार खुद के लिए भी होना चाहिए। नहीं जूस दे दो। नहीं सुबह से एक बनाया था क्योंकि कभी कभार अपने लिए भी जीना सीखो। मैं बता रही हूँ, मैं खाने पीने के सेक्शन में आ गए हैं, खाने पीने वाले काम। और खाने में मैंने क्या बनाया है, प्याज टमाटर की चटनी और रोटी बना रही हूँ साथ की साथ। सब्जी कुछ समझ नहीं आई, फिर लेट भी हो रहा था। चलो मैं कभी कभार तो डेली सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, कभी कभार तो चटनी हल्का फुल्का भी खाना चाहिए। तो आज मैंने चटनी बना दी है इनके लिए, ये बना बनूंगे फिर होती हूँ फारिक। सारा दिन ऐसे ही चले, बना लेती हूँ रोटी। आ जाओ खा लो आप भी सारे, चटनी पसंद है कि नहीं बताना। ये देखिए भाई, मेरे दादा मेरे चाचू को मार रहा है, पता नहीं क्यों मार रहा है। मैं तो मना कर रहा हूँ, दादा मत मारो। दादा मार दो, मार दो, एक आधा और मारो। दादा मत मारो। भाई सबका खाना पीना हो गया है मोस्टली, बर्तन रह रहे थोड़े से साफ करने। और अर्पित के देख लो क्या हालत है, दृष्टि लग रही है फोन में, पकड़ने पड़ेंगे अब देखना। उठ जा, दृष्टि को मिले रोटी। क्या गंदा सा मुंह बनाती है कैमरा देखते ही। या रोटी ले ले, ये इसके हाथ से ऐसे छीनने का क्या बकवास बाजी कर रहा। ये पिटने जोगा है, देखो मेरी कितनी प्यारी रोटी। इसके लिए बनाई थी मैंने छोटे वाली रोटी, वो अर्पित को दृष्टि को भी खानी थी, उसने खा ली। वाह, ना कल बनाऊंगी मैं तेरी एक छोटी सी, ठीक है हैं? क्या बात है, इसकी बनाऊंगी मैं कल, न छोटी सी नहीं बनानी है। हाँ अभी चाहिए। ये देखो गाइस, अर्पित ने दृष्टि के मुंह से बिल्कुल निवाला छीन लिया उसके पास ले जाके। देखो आधी रोटी खा ले, आधी रोटी होगी, ठीक है चलो। लो भैया आज के सारा हो गया है काम, अब देखो थोड़ी सी किचन रह रही है और खाना पीना तो सबका हो गया है। बस अब फटाफट किचन साफ करके, गीत आया है मैंने, और फिर जाऊं वॉक पे। चलो आज के व्लॉग की करते हैं यही एंडिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।